दोस्तों मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा 1988 के टैंक। आज 2024 में भी जिंदा है, सही काम कर रहा है। आज हमने तीसरी बार ये रिप्लेस किया है, लेकिन तब भी देखो इस टैंक का हाल। मैं गारंटी से कह सकता हूं अभी ये 50 साल और देगा। ये रूट मॉडल टैंक है, मगर आज की रूट मॉडल टैंक को देखो और तब की रूट मॉडल टैंक है देखो। आज से 30 साल पहले टैंक ही देखो क्या थी, और तब पता है कितने में आई है, ये 400 रुपये में। जहां अगर ये टैंक अभी लेने जाएंगे हम मार्केट के अंदर, तो कम से कम 20,000 रुपये कम से नहीं आएगा। 400 रुपया और 20,000 कैलकुलेट करो। अब जिसने उस टाइम पे मकान बनाया होगा, लेकिन सही मायने में उसने मकान बनाया होगा, तो कितना वैल्यू बढ़ गया होगा उसको। मगर बदकिस्मती से आप लोग मकान बनाने के टाइम पे डुप्लीकेट ढूंढते हो ना, यही आप लोगों के लिए खामी है। डुप्लीकेट के पीछे मत भागो। ये देखो 1988 के बाद आज हमने इसको जब रिप्लेस किया ना फिर से एक बार, तो देखो टैंक को देखो। और खास बात जो इसके अंदर है ना, खास बात इस टैंक के अंदर जो आप लोगों को आज नजर ही नहीं आएगा, जो एडिशनल प्लम्बर्स, जो प्लम्बर्स को आप रखना होगा वो भी नहीं रखते हैं, वो है इसके लिए एयर वेंटिलेशन। इसकी ढक्कन को मैं दिखाऊंगा, इसकी ढक्कन के अंदर एयर वेंटिलेशन कंपनी की साइड से है। आज के टाइम पे दिखाओ मुझे कोई बड़ा ब्रांड है लो इंडिया के अंदर जो टैंक के अंदर अपना वेंटिलेशन देता है, कोई भी एक एयर वेंटिलेशन नहीं देता है। वही वजह है कि कैंसर का काज ज्यादा बन जाता है आज के टाइम पे। एक साइड से हम बिलो मॉडलिंग टैंक को यूज करते हैं, रूट मॉडलिंग तो हमारे पास सवाल है ही नहीं। दूसरी साइड से हम क्या करते हैं कि उस जगह पे टैंक को रखते हैं जहाँ पे यूवी डायरेक्ट आफ्ताब की किरणें पड़ते हैं उस पे। तो तीसरी बात के एंड हम फिर इसके अंदर फिर इसको क्या कहते हैं कि फ्रेश एयर के लिए हमें वेंटिलेशन रखना होगा। कौन रखता है आज के टाइम पे टैंक को वेंटिलेशन? अब इस टैंक को मैं ऊपर जाऊंगा ना, इसको लेके दिखाऊंगा इसका ढक्कन भी। याद रखो वो ढक्कन देखने के बाद आप लोगों को रियलाइज होगा तब की ईमानदारी और तब की कंपनीज और अभी की कंपनीज में कितना फर्क है। यही 30-35 साल के बीच में कितना लोग बदल गए, क्योंकि मेरी एज 35 साल भी है नहीं, मेरी एज से ज्यादा इस टैंक की लाइफ है। ये रियलिटी है आज के टाइम की। तो अब मैं दिखाऊंगा इसकी वेंटिलेशन कहां पे रखी थी तब के टाइम पे कंपनी ने।